आगे बढ़ते रहना नियत है हम इंसानों की, और सफलता के साथ आगे बढ़ने को तरक्की कहते हैं। साल था 2041 और दुनिया 5G से बढ़ के 7G तक पहुंच चुकी थी। 7th जनरेशन में हर इंसान तक हाई बैंडविड्थ डेटा पहुंचाने के लिए हैवी पेटावर्स फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा था। जो लिमिट सरकार के लिए मैक्सिमम थी कुछ सालों पहले तक, वही लिमिट मिनिमम बन चुकी थी। एक तरीके से डेटा और कनेक्टिविटी के मकड़ जाल में हम फंस चुके थे। हेलो भाई, चुविंगम खाएंगे? चुविंगम एक खा रही है, बहुत मजा आता है। इतना थोड़ा सा बात पे चीज बेटा, क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बता तो सही। एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ये लो जाओगी। डॉक्टरी इसके लिए भी कोई रोता है? मोती जैसे ये आंसू किसी बड़े वक्त निकलते तो अच्छा लगता। और रही बात एग्जाम की, तो बेटा दुनिया जिसे तरक्की कहती है ना, जरूरी नहीं कि हर कोई उसी राह पे चले। कुछ लोग बहाव के विपरीत दिशा में भी तो चलते हैं। अब रोना बंद कर, आ जा। फ्रीक्वेंसी के जिस मकड़ जाल को हमने तरक्की के लिए बुना था, उसमें कभी ना कभी तो फंसना ही था। उस दिन एक बड़े टेलीकॉम कंपनी के फ्रीक्वेंसी ऑडिटर के छोटे से चूक की वजह से फ्रीक्वेंसी सरकार के तय किए गए लिमिट से कई गुना बढ़ गई, जहां उस एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे में पेटाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन फैलने लगी। पर आम लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि कौन सी तबाही उनके चौखट पे आ खड़ी है। और भाई, इस बार दिवाली में क्या गिफ्ट देगा बता? क्या दिवाली भाई? क्या दिवाली? मुझे रहना पड़ेगा इस बार इधर, नहीं जा सकता मैं। अमोनिया का भारी कंसाइनमेंट आया है। तू पागल हो गया क्या? दिवाली में काम कौन करता है? तूने सोचा है भाभी क्या सोचेंगी या नहीं? हाँ मालूम है मेरे को, लेकिन तू तो जानता है कितनी मुश्किल से मिली है नौकरी मुझे। ऐसे ही तो इसे जाने नहीं दे सकता ना, 100% में देना पड़ेगा यार। ठीक है, तुझे अगर लगता है तो यही सही। ठीक है, ये सब बातें छोड़, तू अच्छे से रीडिंग ले अमोनिया का, फिर आना खाने चलते हैं। ध्यान से आ, अमोनिया है, सांस लेना है अपन को। I don't know ma'am how it happened. क्या? Frequency 3.0 to beta hertz निकल के 4.0 to dark चला गया ma'am. This has to be a technical glitch ma'am. Quiet. Biswanath, check yes, it. Ma'am. Control it within 15 minutes. Sure ma'am. नंदा? हाँ? एक बात पूछूं? तुम मेरे लिए इतना काम करते करते थकती नहीं हो क्या? है, मैं सब कुछ अपना चुकी हूँ, अब ज्यादा सोचती नहीं हूँ इस बारे में। इस रास्ते को भी, इस हालत को भी। क्या आप भी? ये एक पॉजिटिव है। क्या हुआ, क्या सीन है? इट्स ओके मैम, but 15 minutes is too much for this radiation outbreak. ठीक है, go to your decks. Ma'am, it's not normal ma'am, it's not normal. I believe आसपास के लोगों को स्किन बन जैसा इरिटेशन होने लगा होगा due to heavy radiation. अगर टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो स्किन जल भी सकता है मैम. Let me inform the police ma'am.
क्या 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 पुलिस, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लोग मरते हैं तो मरने दो उन्हें। मैं इसकी वजह से अपनी कंपनी के शेयर नहीं गिरा सकती। यू आर फायर्ड। मेटावर्स की रेडिएशंस एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करने से स्किन को जला भी सकती थी, और वही हुआ। लोगों को तुरंत जलन होने लगी। ये जलन आग की भट्टी में जिंदा कूद जाने जैसा था। डोमिनो इफेक्ट का नाम सुना है? जब एक हिस्से की बर्बादी दूसरे और फिर तीसरे हिस्से को बर्बाद कर देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेडिएशंस के चपेट में आने वाले सिर्फ आम लोग नहीं थे। उस वर्कर की एक मजबूरन गलती की वजह से भारी अमोनिया लीकेज होने लगा, और उसके आसपास के लोग जो अभी अभी रेडिएशंस की जलन से बचे ही थे कि उनके हवा में भारी मात्रा में अमोनिया फैला। माफ कर दे रे, मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए। यहाँ जी के और यहाँ मर गए रे नंदा। मरता हुआ इंसान कई जिंदा लाशों को अपने पीछे छोड़ के जाता है। हमें लगता है कि प्रलय के दिन पूरी दुनिया एक साथ तबाह होगी, पर जिन लोगों को अपनी आंखों के सामने अपनों को मरता देखना पड़े, उनके लिए तो प्रलय वही है ना, उसी वक्त है ना। बाकी दुनिया के लिए ये उनकी तरक्की के बीच एक छोटी सी दुर्घटना है बस, पर जिन लोगों पर बीतती है उन लोगों के लिए तो ये तबाही ही हुई ना। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको तरक्की मानो या तबाही।